इंडिया के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपीठा के अस्पताल के अंदर सारे बेड खाली पड़े। कोई डॉक्टर, अधीक्षक, महिला चिकित्सक तथा फार्मासिस्ट व कर्मचारी नहीं रहे मौजूद। आइए देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहा में इलाहाबाद थाना सराई इनायत की पुलिस की बड़ी कार्यवाही। रात गश्त के दौरान पकड़े गए 6 बैल जो पिकअप गाड़ी में लदे थे। सराई इनायत एसओ राकेश कुमार जायसवाल, एसआई महावीर सिंह, कांस्टेबल मनोज सिंह व अजय सिंह ने इसमें सफलता हासिल की। वाराणसी में नवागत कुलपति के आते ही बीएचयू एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि नवागत वीसी प्रोफेसर राकेश भटनागर को लेने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पर बीएचयू के अधिकारी काफिला लेकर गए थे। सूत्रों की माने तो रास्ते में पुलिसिया रुआब दिखाने के लिए चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह ने पसरा एक्ट 2005 की धज्जियां उड़ाई। आरोप है कि प्रॉक्टोरिया बोर्ड के सिक्योरिटी अफसर को अनुचित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की हूबहू वर्दी और बैच धारण करने दिया और साथ ले गई। यही नहीं, वीसी के पीसी में उस सिक्योरिटी अफसर को खाकी वर्दी में ही साथ रखा। पत्रकारों से वार्ता करते बीएचयू के नवगत कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर, हमें देखना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में कहां पर कमी और उसको मिल बैठ करके सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए। और धीरे धीरे मैंने ये सारी चीजें की है, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ इसीलिए जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। परसों में लेकर जो खबरें आई हम सब जानते हैं। आप आए हैं बीएचयू में, कहा जाता है कि राष्ट्रवादी मानसिकता वाला विश्वविद्यालय है, तो एक संतुलन देखिए, राष्ट्रवादी तो हर नागरिक को होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के चौमुल्ला काजीगुंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। विधानसभा सदस्य मोहम्मद अमीन भट्ट ने इस सार्वजनिक विरोध का नेतृत्व करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी को समाप्त करने के बजाय बेरोजगारी को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी जगह राजमार्ग पर निर्माण पर प्रतिबंध नहीं है तो क्या कारण है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सेना की ओर से निर्माण में हस्तक्षेप पर कहा कि सेना का कोई अधिकार नहीं है कि वह सार्वजनिक मामले में हस्तक्षेप करे, उनका काम है सीमाओं की रक्षा करना। पर अगर इन्होंने ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डीसी अनंतनाग, अगर ये बाज नहीं आए तो हम अप्रैल में एक बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे। पूरे लोग लाएंगे, चाहे वो श्रीनगर के हो, चाहे वो खनबल के हो, चाहे वो मलपोरा, मीर बाजार, यसू के लोग लाएंगे। हम प्रोटेस्ट पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे और यही डिमांड करेंगे। मैं महबूबा जी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, लोगों को बेरोजगार मत कीजिए, एक तो आप रोजगार नहीं देते हैं। सोनभद्र में कर्मा इमलीपुर के संग्राम सिंह का 14 बीघा व रामधनी का 3 बीघा खंड घोरावल में 11,000 रुपए का गेहूं बिजली के शॉर्ट सर्किट तार से जलकर खाक। किसानों ने तहसीलदार को दी सूचना लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा मौके पर। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के तेंदू गांव में झोपड़ी में लगी आग, 3 मासूम बच्चों की मौत। रात्रि 11:30 बजे मुर्तजा का परिवार अपने झोपड़ी में सोया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। निकाली ना हमका सपना में लगा था कि आग ही लगा ले, भैया के लेके निकाली तब से भैया हमारा जुराई के गिर गए ना, कुल गिर ऊपर गिर गए ना सड़की वाली। अभी यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शिक्षा हो बच्चों का आधार, तभी विकसित होंगे नौनिहाल। जी हाँ, ऐसी ही शिक्षा पाने के लिए आइए आदर्श पब्लिक स्कूल में, जहाँ है खेल कूद एवं योग शिक्षा, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क, गरीब छात्र छात्राओं के लिए विशेष छूट, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था, सामान्य ज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कला की विशेष सुविधाएं, ऑडियो वीडियो एवं खिलौनों से बच्चों की शिक्षा, प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय व सीएचएस की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन भी। तो भूलिए मत, भटपुरवा खुर्द पल्ली पट्टी वाराणसी में आदर्श पब्लिक स्कूल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। वाराणसी चोलापुर थाना क्षेत्र के प्राचीन दुर्गा मंदिर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत श्वेतांग सिंह खंड विकास अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनिल राजभर व विशिष्ट अतिथि पिंडरा विधायक अवधेश सिंह, जिला अधिकारी वाराणसी योगेश्वर राम मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव आदि ने मौजूद होकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। औरैया के अक्षरदा थाना क्षेत्र के तुरुपुर में बाजार जाते समय पत्रकार विमल यादव व उनके भाई पर जानलेवा हमला। पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों के हमले से उनके भाई को गंभीर चोट आने के कारण जिला अस्पताल औरैया में किया गया रेफर। पत्रकार विमल यादव ने अक्षरदा थाना में चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। थाना अध्यक्ष बलराज साही ने तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते पत्रकार विमल यादव, घटना ये हुई कि मैं और मेरा भाई ताऊ का लड़का और एक गांव का लड़का मेरे साथ हम लोग बाजार आ रहे थे मकान का सामान खरीदने। तभी ग्राम तुरुपुर के पास पहले से रंजस मानकर गोतला गाँव के बैठे लोगों ने सीधा फायर कर हम पर हमला कर दिया, जिसमें मैं अपनी जान बचाकर गांव की तरफ आया और मेरे भाई को वहीं मरणांत स्थिति में छोड़ दिया और तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जिन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी, उनकी पहचान हो गई है, वहीं पास के गोतला गाँव के रहने वाले हैं और दबंग हैं, जिन पर गुंडा की कार्रवाई भी है। आपने पुलिस में शिकायत की? जी, मैंने चार लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है थाने में। मीडिया से बात करते सीओ बिदुना, औरैया जिले के अक्षरदा थाना क्षेत्र में एक पत्रकार पर और उसके भाई पे जानलेवा हमले का मामला सामने आ रहा है, क्या रहा है? हाँ, अभी ये मामला संज्ञान में आया है और थानाध्यक्ष से हमारी बात हुई है, वो बताया कि इसके संबंध में कार्रवाई चल रही है और संभवतः तहरीर मिल चुकी है, मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है और इसके साथ ही जो भी दोषी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी तत्परता से प्रयास किया जा रहा है। गाजीपुर के थाना क्षेत्र बहरियाबाद के ग्राम बंधाव निवासी दीपचंद राम की बेटी चंदना की हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विवेक चौहान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ ही पुलिस ने अपराधी के कहने पर घटना स्थल वही मान लिया जहां लाश मिली थी। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी मान लिया कि अपराधी अकेला था। इससे कुछ सवालिया निशान थाना अध्यक्ष बहरियाबाद ने छोड़ दिया है कि 10 बजे दिन में मुख्य मार्ग से 200 से 300 मीटर की दूरी पर हत्या कैसे हो गई? हाँ बिल्कुल, इसने प्लान किया के जरिए बुलाया था कि उस जगह पे सुबह 10 बजे के आसपास, ये सुबह 7 बजे अपने घर से निकला था, 7:30 बजे के आसपास सुबह बस यहाँ पे आया था, ताकि से मिलने के बाद उसको तत्काल में उसको झाड़ू मार दिया था। शामली में कांधना थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बच्चे को मामूली खांसी आने पर एक झोला छाप डॉक्टर ने मौत का इंजेक्शन लगाकर उसकी बलि चढ़ा दी। मृतक मासूम बच्चे के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है, जबकि डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। मीडिया से बात करते कृष्णपाल मृतक बच्चे के पिता, जब तो सर हम दोनों गए थे वहाँ का पुड़िया दे दो उसके, उनने सुगा लगा दिया उसके। अच्छा। और बस गिल्लो एकदम मौत हो गई उसी टाइम पे। अच्छा, जिस तरीके से आपके बच्चे की मौत हुई है, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अरे कार्रवाई करी थी थाने में जाके। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की उसमें? एक लोग ने करी। मीडिया से बात करते देव रंजन वर्मा एसपी शामली, इसके अंदर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जब हमारे पास सीएमओ की रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ इसके अंदर मेडिकल नेगलिजेंस हुई है, तो उसके बाद इसमें आगे विधिक कार्रवाई। खबरों का सिलसिला अब यही थमता है, लेकिन आगे खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।